आ गए। मेरा जीवन बदला। जब भी मैं बोल रहा हूँ छाती ठोक के कि परमेश्वर की महिमा हो, बीस साल हो गए मुझे अपना बचपन बिता दे। 20 सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा है, परमेश्वर में आए हुए हैं। मेरे को 4 साल हुए हैं, 2 साल मेरे नशे में थे, पर मात्र 1 साल में मैं ऐसा बदल गया हूँ। 3 साल तो मेरे ऐसे ही जानने में निकल गए। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो दारू पीता है वो जब जाता है चर्च में शराब छूट जाता है, वहाँ पर ऐसा क्या कुछ कहा जाता है? जीने का तरीका सिखाया जाता है। अभी मेरे अंदर के घुटके के दाग मिटे नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है ना, मैं जानता हूँ, मैंने सारे ऐप करे और मैं इतना बदल चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। तो जैसा कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और ऐसा ही हमें कुछ इस वीडियो में देखने को मिलता है कि कैसे इस भाई ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस गवाही को दिया और कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है। और इसने अपनी गवाही दी है और बाई प्रूफ इसने दिखाया है कि मेरा जीवन पहले कैसा था। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ इस वीडियो से कि प्रभु यीशु मसीह ने जब खुद कहा है कि तुम सत्य को जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और ऐसा ही है। जब कोई अन्य जाति से या फिर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता है, जब वो बाइबल पढ़ता है, जब वो चर्च में जाता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना शुरू करता है, तो वो वचन उसके जीवन में कार्य करता है और उस इंसान का जीवन बदलने लगता है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन में गवाहियाँ बनती है। जो पहले जीवन पाप में था, जो बीमारियाँ थी, जो रोग थी, जो समस्याएँ थी, वो फिर प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में वो सब चली जाती हैं और प्रभु यीशु मसीह पे लोग पूरी दृढ़ता के साथ विश्वास करने लगते हैं। और ऐसा ही आपने इस वीडियो में देखा होगा कि इस भाई ने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए करने को तैयार हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। डर किन को नहीं है? जो सत्य को जानते हैं उन्हें डर नहीं है। और जो लोग डरते वो हैं जो नहीं जानते कि शरीर को नष्ट होने के बाद में, घात होने के बाद में हम कहाँ जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो। और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो सच में एक विश्वास योग्य मनुष्य है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करके चलता है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए हैं, गवाहियों बनाई हैं, और वो निरंतर यही सोचते हैं कि चाहे कैसी भी समस्या हमारे जीवन में आ जाए, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, वे लोग जानते हैं कि अगर हमारा ये शरीर नाश हो भी जाए तो हम बचाए जा चुके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और ऐसा ही है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम खुलेआम लोगों को गवाहियां देते हैं, लोगों को बताते हैं कि तुम भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक मनुष्य के लिए नहीं परंतु पूरे जगत के लिए अपने आप को बलिदान किया। जैसा कि लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मनुष्य जगत पूरी दुनिया से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा और वो ही मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया और उसने आपके और मेरे गुनाहों को लेकर क्रूस पे वो चढ़ गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कैसा आपका विश्वास है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप किस धर्म से, किस जात से, कौन है, भाई या बहन है, कौन आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो सच में प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान लेता है, वो इस जीवन के कामों से, इस जीवन के संसार के कामों से वो आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हम इस संसार की नहीं परंतु हमें संसार से अलग किया जाता है और किया गया भी है। और तब प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो लोग बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा भी होगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान पाएँ और जान पाएँ कि लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को भी तैयार हैं देने के लिए। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड गॉड।